हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल है ट्रांसफार्मर के। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैविंग प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो 10:1 है। प्राइमरी टू सेकेंडरी यानी एन प्राइमरी रेशियो एन सेकेंडरी इज इक्वल टू 10:1 ऐसा है। यानी एन पी डिवाइडेड बटे एन एस इज इक्वल टू 10:1 या इसी को लिख सकते हैं एन सेकेंडरी डिवाइडेड बटे एन प्राइमरी इज इक्वल टू 1/10। क्लियर। एन सेकेंडरी डिवाइडेड बट एन प्राइमरी इज इक्वल टू 1/10 ऐसा रेशियो है। आगे है इसमें द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड इतना इनपुट वोल्टेज है ना। वोल्टेज क्या है? इनपुट। इनपुट वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज यानी वीपी प्राइमरी वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज का मतलब हो गया वीपी प्राइमरी 250 वोल्ट। ओके, यहां आ गया। एंड आउटपुट करेंट 10 एम्पियर है। यानी आउटपुट करेंट आउटपुट करेंट का मतलब सेकेंडरी करेंट आई एस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 एम्पियर है एंड 100% इफिशियंसी है। तो जो हम लोग रिजल्ट निकाले लास्ट लेक्चर में वो किस पे निकाले? 100% एफिशिएंसी पे ही कैलकुलेट किए थे रिजल्ट। 100% एफिशिएंसी। तो आपको पहला कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जानते हैं रिलेशन है प्राइमरी डिवाइडेड बटे सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बटे सेकेंडरी वोल्टेज इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या भाई? सेकेंडरी वोल्टेज ऐसे भी लिख सकते हैं एन एस डिवाइडेड बटे एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बटे वी पी। तो जो वी एस है वो क्या है? एन एस डिवाइडेड बटे एन पी इंटू वी पी। वी एस इज इक्वल टू एन एस बटे एन पी इंटू वी पी। तो एन एस कितना है? एन एस दिया हुआ है आपको, एन एस है 1:10। ओके, और वी पी आपको दिया हुआ है 250। तो इसको कटेंगे तो यह आ जाएगा सेकेंडरी जो वोल्टेज आएगा, सेकेंडरी वोल्टेज ये हो गया आपका 25 वोल्ट है। प्राइमरी में कितना वोल्टेज है? प्राइमरी में है 250। तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा? 25 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज कम मिलती है सेकेंडरी में, प्राइमरी में जितना वोल्टेज रहेगा उससे कम ही तो मिलेगी। तो 25 आपको वोल्ट मिल रहा है, ये आंसर हो गया। दूसरा निकालना है आपको आईपी, मतलब कि करंट इन प्राइमरी। तो करंट इन प्राइमरी निकालना है तो आपको रिलेशन मालूम है, रिलेशन से आप बात करेंगे। तो दूसरा है कि एन एस डिवाइडेड बटे एन पी उल्टा होता है आई पी डिवाइडेड बटे आई एस। तो आपको आई पी चाहिए।
आपको चाहिए आईपी, तो यहाँ पर लिखेंगे एन आई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बटे एन पी इन टू आई एस, एन एस बटे एन पी, एन एस बटे एन पी, तो एन एस बटे एन पी जो है वो 1/10 है, 1/10, और यहाँ पर क्या है 10, तो ये हो गया आपको 1 एम्पियर। तो जो आई पी है प्राइमरी वो क्या है 1 एम्पियर है, और ये हो गया एनसेल, ठीक है। प्राइमरी में इतना हो गया, आपको निकालना है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का मतलब हुआ सेकेंडरी वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज थर्ड में निकालना है, आउटपुट वोल्टेज दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज। यानी पी सेकेंडरी, इसी को कहते हैं हम लोग पी आउटपुट। तो यहाँ पर होगा वी सेकेंडरी और आई वी सेकेंडरी होगा। पी सेकेंडरी इक्वल टू वी सेकेंडरी, तो वी सेकेंडरी जो है वो यहाँ निकला 2.5 आई सेकेंडरी 10, तो आएगा कितना 250 वाट, ये हो गया आंसर 250 वाट। इतना वाट का पावर मिलेगा। अब जो पढ़ेंगे उसका नाम है एलसी ओसिलेशन। एलसी ओसिलेशन में हम लोग देखेंगे कि सीरीज में लगा हुआ रहेगा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो इसका नाम है एलसी, एलसी ओसिलेशन, एलसी ओसिलेशन। पहला बात इसमें है एलसी ओसिलेशन, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन क्या, इन सीरीज। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है वो किस में है, सीरीज में है। पहली बार व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर का करना है फुल्ली चार्ज करना है, फुली चार्ज एंड सेल रिमूव। पहले इसको फुल्ली क्या करेंगे, हम लोग चार्ज करेंगे, और सेल रिमूव का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिमूव व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या कर जाएगा, रिमूव करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिमूव करेंगे। देन एनर्जी ट्रांसफर
एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर कैपेसिटर टू नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द इंडक्टर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर इन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द इंडक्टर इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा नेग्लिजिबल होगा है ना अगेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर अब क्या होगा कि एनर्जी आ जाएगी किस में इंडक्टर में और ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी किस में कैपेसिटर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर को लगाते हैं ऐसे कैपेसिटर को क्लियर है यहाँ पर एक इंडक्टर लगा देते हैं ये L है और ये C है और यहाँ पर क्या लगाते हैं AC सोर्स जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं V = V0 साइन ओमेगा टी फुली चार्ज नाउ कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया नाउ सोर्स रिमूव कर रहे हैं जो ये सोर्स लगा हुआ है ये वाला सोर्स उसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो रिमूव करेंगे तो कैसा होगा ये कैपेसिटर ऐसे होगा इसको हटा दिया मैंने यहाँ पर सेल खत्म ये हो गया ये फुली चार्ज है इस तरह से अब ये क्या करेगा इधर के तरफ है ना ये चार्ज है इस पर इधर के तरफ अब ये करंट आएगा तो होगा क्या कि इसका एनर्जी में फुल है ना at t = 0 ऐसे लिख सकते हैं at t = 0 यू जो ई है यू ई उसकी एनर्जी कितनी है 1/2 c v² है ना फुल एनर्जी उसमें हो गई है ना और फिर at t = 0 पे फुल एनर्जी किसमें है कैपेसिटर में अब मैग्नेटिक में कितना एनर्जी है 0 एट टाइम कितना टी यू जो ई है वो क्या हो गया 0 और जो यू बी है वो कितना हो गया 1/2 li² at t = 0 जो यू ई है वो है 1/2 cv² और यू बी इज इक्वल टू क्या है 0 फिर अगला टाइम में टाइम टू टी में t = 0 पर ये है टाइम t = a है और टाइम
2T पे फिर ये आएगा, फिर 3T पर ये आएगा, फिर 4T पर ये आएगा, 5T पर ये आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसकी कंप्लीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही है और इसमें इसमें कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हालांकि ये माना गया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। मतलब कि इसका रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट का अपोज करे यानी हीट प्रोड्यूस करे यानी एनर्जी को जो लॉस करे वो नेग्लिजिबल है। लेकिन ऐसा तो 100% आप कर नहीं सकते, कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, डैम्पिंग उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। तो इस तरह की हम बात करते हैं तो ओसिलेशन कहते हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होंगे वो सीरीज में होंगे व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिमूव। इसमें करना क्या है कि ये कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देना है और चार्ज करने के बाद जो सोर्स है ये वाला सोर्स उसको हटा लेना है। तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी चार्ज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसमें, इसमें। मतलब कि इसमें करंट फ्लो कराएगा तो इसमें एनर्जी आएगी, इसमें एनर्जी बढ़ेगी, इसमें एनर्जी बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी। फिर इसकी एनर्जी क्या करेगी, इसमें ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलते रहेगा, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम को आगे पीछे करते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी होता रहेगा। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर इन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द इंडक्टर, अगेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, ये सिलसिला चल रहा है ऐसे। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, है ना। तो इक्वेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको, जैसे कि ये हुआ तो इसमें हम अगर लूप लगा दें, इसमें लूप लगाते हैं तो यहाँ माइनस से कहाँ चल रहा है, प्लस चल रहा है। ये भी क्या होगा, ये प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और वो भी कहाँ चल रहा है, माइनस से प्लस चल रहा है। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा इसका। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाउ फ्रॉम किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज तो इसमें क्या होता है कि जो नेट का पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल का सम, उसको हम लोग जीरो करते हैं। तो इसमें निकालते हैं कैपेसिटर में पोटेंशियल, फिर किसमें, इंडक्टर में पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्यू चार्ज आया कैपेसिटर पे और उसकी क्या हो गया, सी कैपेसिटेंस हो गई। तो ये वोल्टेज हो गया कैपेसिटर पे, क्यू आया चार्ज कैपेसिटर पे, सी उसकी कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है वो क्यू बाई सी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी एल एल और डी आई अपन डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू इसको लिख सकते हैं, आई के बदले में हम लिख सकते हैं, आई के बदले में आई इज इक्वल टू डी क्यू, आई के बदले लिखेंगे डी क्यू अपन डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू डिवाइडेड बाय सी प्लस एल और डी अपन क्या डी टी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी क्यू डिवाइडेड बटे डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर होगा क्या, क्यू डिवाइडेड बटे सी प्लस प्लस एल, प्लस एल हो गया और क्या हो गया, डी टू क्यू अपन डी टी इसका क्या हो गया, स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। को डाउट यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको समझाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपको डी टू क्यू अपन डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बटे एल इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर देखिए, d2x अपन dt स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इजिकल टू जीरो। यहाँ पर देखिए डी टू है डी टी स्क्वायर, डी डी के पावर टू और डी टी स्क्वायर, डी के पावर टू डी टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्यू है, यहाँ पर क्या है एक्स है, ओके। यहाँ पर देखिए क्यू है और यहाँ पर क्या है एक्स है, और ये देखिए ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है वन बाई एल सी है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर वन बाई एल सी है। पता है ये कहाँ पढ़ते हैं आप, ये पढ़ते हैं ओसिलेशन में, कहाँ पढ़ते हैं ओसिलेशन, ओसिलेशन, ओसिलेशन एक चैप्टर है जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का चर्चा करते थे, जिसमें पार्टिकल आगे पीछे मोशन करती थी। उसी तरह से इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एलसी में ये वाला में जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्प्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एल सी ओसिलेशन, एल सी ओसिलेशन, मतलब कि ऐसा सर्किट, एल सी ओसिलेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो और इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हो और एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, ओके। तो इससे हम अगर कंपेयर करें कि नाउ फ्रॉम एबव, नाउ फ्रॉम Now from above equation, now from above equation, equation की omega का square is equal to 1 बटे L into C, तो omega is equal to 1 बटे root under L और C, T is equal to क्या हो गया, T is equal to T pi बटे क्या हो गया omega हो गया, T is equal to 2 pi डिवाइडेड बटे 1 बटे रूट अंडर एल सी, रूट अंडर एल सी, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल और सी, T बराबर 2 पाई रूट अंडर एल सी, ये हो गया टाइम पीरियड। नाउ नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ओसिलेशन, नाउ नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ओसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी F इजिकल टू हम लोग लिखते हैं 1 बटे T, तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई रूट अंडर L इंटू सी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी है ना ऑफ एल सी ओसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ओसिलेशन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, चार्ज 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 20 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ओसिलेशन, आपको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है, दैट इज ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो फार्मूला हम लोग एल सी ओसिलेशन में पढ़े हैं, पहली बात कि सी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 माइक्रोफ़ारड, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, सी इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 27 मिली हेनरी, तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी एल का वैल्यू। इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ओसिलेशन ऑफ द सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। We know that, we know that from LC oscillation,
फ्रॉम एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी जो ऑसिलेशन होगा उसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वन बटे रूट अंडर एल और सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वन बटे एल, एल का वैल्यू छः है, एल का वैल्यू है 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू सी का जो वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो गया आपको 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, है ना। इसको लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। यहाँ पर लिखे है क्या 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 10 डिवाइडेड बटे 9 इंटू 10 टू द पावर क्या 3। तो इसको लिख सकते हैं 1.11 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, और यही हो गया आंसर 1.11 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये है आपका एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का थ्योरी। बोर्ड के लिए मैंने डिस्कशन किया है, आप इसको रिवीजन करेंगे, बोर्ड में आपके कोई मार्क्स नहीं छूटेंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का और पहला किताब का लास्ट चैप्टर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।